यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। महबूब देश उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर की। सरकार जल्द ही 2500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में ऑनलाइन परीक्षा के प्रशिक्षण वीडियो का शुभारंभ किया। इस दौरान जानकारी दी गई कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2500 पदों पर जल्द भर्ती के विज्ञापन जारी करने जा रहा है। त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल के भीतर 5700 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की गई है, तो मतलब बेरोजगार लोग जो हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उनके लिए एक बड़ा मौका लेकर आ रहा है। सीएम ने परीक्षण वीडियो का शुभारंभ किया। ठंड के मौसम में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है। अब श्रीनगर का जंगल आग में झुलस रहा है। पराग से दर्शन तक जंगल में आग लगी है, मगर अधिकारी इससे बेखबर हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह आग लगी है उससे वन विभाग का दफ्तर महज 100 मीटर दूर है। बावजूद इसके वन विभाग ने आग को बुझाना मुनासिब नहीं समझा। अब सवाल यह है कि आखिर वन विभाग और उससे अधिकारी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राजेश कुमार से अपर सचिव पेयजल और सिंचाई का प्रभार वापस लिया गया है। अपर सचिव विनोद कुमार सुमन से सचिवालय प्रशासन की जिम्मेदारी ली गई। हरीश चंद्र सेमवाल को निदेशक समेकित बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई है और वी षडमुगम से निदेशक बाल विकास की जिम्मेदारी वापस ली गई। बाल मयंक मिश्र से निबंधक सहकारिता की जिम्मेदारी वापस ली गई है। और विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, ये जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है ये किस वजह से हुआ और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नई भूमिका मिली है इस वक्त? जी, अब देखिए लगातार कल से लेकर आज तक करीब 14 आईएएस अधिकारी आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और जिसमें आईएएस हरीश चंद्र सेमवाल को निदेशक समेकित बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और लगातार आईएएस वी षणमुगम और राज्य मंत्री रेखा आर्य का एक विवाद जरूर देखने को सबको मिला था। उससे निदेशक ये बाल विकास की जिम्मेदारी लेकर अब वित्त नियंत्रक सतीश सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग विभागों में ये कार्य क्षेत्रों में तब्दीली की गई है अवधेश, और लगातार कल से लेकर अब तक 14 आईएएस और पीसीएस के तबादले किए गए हैं। हालांकि कुछ लोग बाध्य प्रतीक्षा में थे, कुछ लोगों के कुछ विभाग चेंज होने थे, तो इसको कोई ऐसा नहीं है, रूटीन ट्रांसफर है। रूटीन ट्रांसफर को देखते हुए आज इनके अलग अलग विभागों के फिर कार्यों में फेरबदल किया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया विनोद जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और तस्वीर आपको हम रुड़की की दिखाते हैं। रुड़की में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि वीडियो झबरेड़ा इलाके का है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है कि आखिरकार मारपीट की वजह क्या थी। मारपीट, हंगामा, अफरा तफरी, इन लोगों का अगर बस चले तो ये एक दूसरे की जान ही ले लें। हाथ में डंडे लिए कुछ लोग एक दूसरे पर देखिए कैसे प्रहार कर रहे हैं। तस्वीरें रुड़की के झबरेड़ा इलाके की बताई जा रही हैं। दो गुटों के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि ग्रामीण एक दूसरे के साथ भिड़ गए। इस विवाद में महिलाएं भी कूद पड़ी और लोग एक दूसरे पर डंडों से वार करने लगे। तस्वीरें झबरेड़ा इलाके के खजूरी की बताई जा रही हैं। कुछ लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। दो परिवारों के मध्य किसी बात को लेकर के आपस में मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एक पक्ष को चूंकि गंभीर चोट लगी थी और उसमें डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से एक व्यक्ति दिलसाद की अरेस्टिंग की गई।
वीडियो को एक बार फिर से गौर से देखिए। ग्रामीणों के जो दो गुट आपस में उलझ रहे हैं, उनमें से एक गुट में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं, जबकि दूसरे गुट में सिर्फ पुरुष हैं, जिसके हाथ जो लग रहा है वो उसी से एक दूसरे पर वार कर रहा है। इस युवक को देखिए, पहले इसने पास में ही पड़ी लकड़ियों के एक ढेर से एक लकड़ी उठाकर वार करने की कोशिश की। जब ये नाकाम रहा तो इसने एक और लकड़ी उठा ली। इसी बीच एक महिला बीच बचाव के लिए आती है, जिसके समझाने पर किसी तरह से मामला शांत हो जाता है। महिला के समझाने पर दोनों गुट मौके से चले जाते हैं, जिससे किसी तरह मामला शांत होता है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। कॉर्बेट पार्क से बाघ की दहशत का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बाघ हाथी के झुंड पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर हाथी ने बाघ को ऐसा सबक सिखाया कि कॉर्बेट का राजा दुम दबाकर भाग गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को बाघों का घर कहा जाता है। कॉर्बेट में बाघ सबसे खतरनाक जानवर है। कॉर्बेट से बाघ की दहशत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो बाघ झाड़ियों में छिपकर हाथी के एक झुंड पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। झुंड में दो हाथी और उनके साथ एक बच्चा शामिल है। बाघ इसी बच्चे का शिकार करने की फिराक में थे, मगर झुंड के एक हाथी को झाड़ियों में छिपे बाघ की भनक लग जाती है। हाथी उस बाघ की तरफ दौड़ता है। हाथी से डरकर बाघ झाड़ियों से निकलकर भागने लगता है। जंगल में बाघ और हाथी के बीच के संघर्ष का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। इस वीडियो को गौर से देखने पर पता चलता है कि झाड़ियों में दो बाघ छिपे हुए थे। बाघ को पता था कोई ना कोई शिकार पानी पीने के लिए नदी के किनारे जरूर आएगा, इसलिए वो झाड़ियों में छिपकर शिकार पर अटैक करने का इंतजार कर रहे थे। वन क्षेत्रों में तो टाइगर हाथी के बच्चों का मूनन चेस करते रहते हैं और किल भी करते हैं और खाते भी हैं। ऐसे कई प्रकरण हुए हैं और कई घटनाएं हुई हैं। और हाथी चूंकि सामूहिक रूप में रहता है अपने बच्चों के साथ, उसकी मदर भी रहती हैं और भी उसके साथ जो उसकी नानी है और जो भी उस पारिवारिक सत्ता के लोग हैं, सब साथ रहते हैं, तो उनको बचाने में हमेशा लगे रहते हैं, घेरा बना के रहते हैं। हाथी से डरकर पहले एक बाघ दुम दबाकर भागने लगता है, उसके बाद उसके पीछे पीछे दूसरा बाघ भी वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जंगल का यही नियम है, हर जीव अपने से छोटे जीव का शिकार करता है। ये चैन काफी लंबी है। हर जीव को अपना जीवन बचाने के लिए इसी तरह से संघर्ष करना पड़ता है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। कई महीने के इंतजार के बाद आखिरकार रेखा आर्य के विभाग को निदेशक मिल गया है। साल के आखिर में आंगनबाड़ी वर्कर्स और आउटसोर्स के जरिए नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये बड़ी राहत है। लंबे समय से चल रही खींचतान के बाद आखिरकार मंत्री रेखा आर्य के विभाग को निदेशक मिल गया है। वित्त नियंत्रक सतीश सिंह को महिला बाल विकास विभाग में निदेशक बनाया गया है, मगर इसमें सबसे बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जिन पर निदेशक न होने से सीधा असर पड़ रहा था। आपको बताते हैं कि नेता बनाम नौकरशाही में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा था। महिला बाल विकास विभाग में टेंडर प्रक्रिया न होने के कारण करीब 380 लोगों का रोजगार ठप हो गया था। बाल विकास विभाग में पुरानी आउटसोर्स एजेंसी का कार्यकाल 15 सितंबर को खत्म हो गया था। निदेशक नहीं होने से नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिससे ये लोग बेरोजगार हैं। इस विभाग की वजह से आंगनबाड़ी वर्कर्स को कई महीने से मानदेय नहीं मिल रहा, वहीं महिला बाल विकास की तमाम योजनाएं मझधार में अटकी हुई हैं। जाहिर है रेखा आर्य के विभाग में निदेशक की तैनाती की वजह से अब इन लोगों के लिए साल का आखिरी महीना खुशियां लेकर आया है। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का उनके ही विभाग के निदेशक वी षणमुगम के साथ विवाद हो गया था, जब वी षणमुगम ने रेखा आर्य का फोन नहीं उठाया और रेखा आर्य ने इसे लेकर दून पुलिस को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि षणमुगम से उनका कोई संपर्क नहीं हो रहा है। इसके बाद तो विवाद बढ़ता ही चला गया और मामला नेता बनाम नौकरशाह हो गया। षणमुगम ने रेखा आर्य के साथ काम करने से मना कर दिया, तो वहीं कोई और अधिकारी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि पिछले कई महीनों से रेखा आर्य का विभाग बगैर निदेशक के ही चल रहा था। जाहिर है अब रेखा आर्य के विभाग में निदेशक की तैनाती के बाद एक बड़ी राहत है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
उत्तराखंड भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ी के मामले में शासन सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गया है। कर्मकार बोर्ड में हुई धांधली को लेकर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में ओम प्रकाश की ओर से की गई एक बैठक में कहा गया कि जिस अधिकारी कर्मचारियों को इन धांधली में मिली भगत रही है उन पर कार्रवाई की जाए। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के विभाग सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में कई वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते महालेखाकार इसका ऑडिट कर रहे हैं। विभाग का स्पेशल ऑडिट भी कराया जाएगा। एजी का ऑडिट एक सामान्य प्रक्रिया है, सभी संस्थाओं का ऑडिट होता है और इसमें इस संस्था में पहले काफी लंबे समय से ऑडिट नहीं हुआ था, तो एजी ने पत्र भेजा है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, उसके बाद एजी का ऑडिट का निर्धारण किया जाएगा। और एजी की जांच एक प्रक्रिया है और सामान्य प्रक्रिया है, सभी संस्थाओं की ऑडिट होता है और होना भी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के लिए राज्य सरकार ने 9 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर कर दी है। सड़क निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी का प्रोजेक्ट त्रिवेंद्र सरकार के अहम एजेंडों में शामिल है। गैरसैंण में आवागमन के लिए 4 किलोमीटर की सिंगल लेन सड़क को डबल लेन किया जाएगा, तो उत्तराखंड की समर कैपिटल में सड़क के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। हाँ, लगभग 4 किलोमीटर की हम लोगों ने उसमें जहाँ पे अभी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है वहाँ पे सड़क अभी नहरों थी, तो उसके लिए भी हम लोगों ने करीब 9 करोड़ की डबल लेन करने की स्वीकृति की है, जिससे कि वहां पे आवागमन में सुविधा होगी। लोगों के साथ पीएम योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले 4 युवकों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह गिरोह अब तक 100 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी कर चुका है। देहरादून पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन युवकों पर लोगों के साथ फर्जीवाड़े का आरोप है। प्रधानमंत्री योजना के नाम पर ये शातिर अभी तक कितने ही लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। इनका गिरोह जरूरतमंद लोगों को सस्ता लोन दिलाने के नाम पर लालच देकर फंसाता था। जो नंबर्स उसमें फ्लैश थे बेसिकली उस पे काम किया। SOG की हमारी टीम जो है वो भी पूरी इसमें लगी और उन नंबर्स की डिटेल से हमें ये पता चला कि ये जो सिम कार्ड इशूड करवाए गए थे, जो नंबर्स दिए गए थे इन पोस्टर्स में, ये सभी नंबर्स जो हैं ये फेक ID पे इशूड हैं। उसके बाद फिर मैन्युअली जो है हमारी टीम ने इसमें काम किया और ये 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए ये 4 आरोपी बेहद शातिर हैं। ये अब तक 100 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। आरोपी युवक लोगों को कॉल कर पर्सनल लोन, होम लोन के जाल में फंसाया करते थे और अपनी बातों में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। बहला फुसला के उनसे जो है पैसे सिक्योरिटी के नाम पे और लोन दिलाने के नाम पे पैसे जो है अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाए। और हमने 2 इनमें अन्य अभियुक्त जो गिरफ्तार किए हैं वो हैं जो जिन्होंने फेक ID पे इन लोगों को सिम इशू करवाए थे। आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इनका कहना है कि पैसे की जरूरत में इन्होंने अपराध का रास्ता अख्तियार किया था। खुद के साथ बता रहा हूँ, एक बार फ्रॉड हो गया था, मतलब होता होता रह गया था इस तरह से ही, जब थोड़ा पैसों की जरूरत थी उस वक्त। क्या हुआ आपके साथ? तो बस सर इस तरह से ठगी होते होते ही रह गए थे, तो वहाँ से थोड़ा आइडिया लगा था। आइडिया आया, इससे पहले करते क्या थे आप? सर मेरे गारमेंट शॉप थे। पुलिस ने इनके पास से फर्जी ID पर लिए गए कई सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस इनके गैंग के आपराधिक इतिहास खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि इनके गिरोह के तार कहां कहां तक फैले हुए हैं। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। और इस वक्त की अहम खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले फिर से बढ़ गए हैं। आज कोरोना के 830 नए केस सामने आए। कोरोना की वजह से आज 12 लोगों की मौत हुई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 273 नए केस मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर नैनीताल है जहां 105 नए केस सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से संक्रमण ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। कोरोना मरीजों की संख्या 80,486 हो चुकी है और आज 830 नए मामले सामने आए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। अब बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार के लक्सर में प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाया है।
यहाँ पर तहसीलदार पूरे दलबल के साथ गांव पहुंचे और 4 हेक्टेयर जमीन पर खड़े गन्ने की फसल को कटवाना शुरू कर दिया। प्रशासन का कहना है कि जमीन सरकारी है, लोगों ने इस पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है और गन्ने की फसल उगाई गई। हालांकि किसानों का कहना है कि जमीन उनकी है और प्रशासन मनमानी कर रहा है। 4 हेक्टेयर भूमि है जिस पर गन्ना बो करके अतिक्रमण है, उसको हम लोगों को खाली करवाना है। पुलिस और प्रशासन इसी काम के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। अब गन्ना काट करके गन्ना मिल को दिया जाएगा, जो भी इनकम होगी वो राज्य सरकार की लिखा सूची से संबंधित उसमें जमा कर दिया। खटीमा में सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण की वजह से आए दिन जाम लगा रहता है और इसी को लेकर एसडीएम ने अपनी टीम के साथ शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क पर कब्जा जमाए बैठे दुकानदारों से अतिक्रमण हटवाया गया। एसडीएम की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर फिर किसी ने अतिक्रमण किया तो कार्रवाई की जाएगी। तो खटीमा में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जहां हरिद्वार के लक्सर में खेतों से अतिक्रमण हटाया गया, वहीं खटीमा में सड़क के किनारे जो दुकानें लगी रहती वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आज हम आपको पीएम मोदी के एक ऐसे फैन के बारे में बताने जा रहे हैं जो मोदी के स्वच्छता अभियान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वच्छता जागरूकता को अपने जीवन का मिशन बना लिया। ये रिपोर्ट देखिए। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। पीएम मोदी के इस बयान से टिहरी के मदन सिंह राणा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना जीवन प्रकृति की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मदन सिंह ने स्वच्छता अभियान को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया है। मदन सिंह नौकरी छोड़कर पहाड़ों को साफ सुथरा बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मदन सिंह ने अपनी जमा पूंजी से एक यूटिलिटी गाड़ी खरीदी है, जिसके जरिए वे लोगों को स्वच्छता का संदेश देते हैं। 2014 में उन्होंने कहा था और तब 14 में बाद में नई गाड़ी लाई थी, मगर मुझे 6 साल हो गए काम करते करते। और मैंने ये चाहा कि प्रधानमंत्री का जो देश का सपना है कि वे स्वच्छ भारत अभियान रहे, उसी के लिए मैं भी इस काम को कर रहा हूँ। उत्तराखंड में मैं पहला गढ़वाली हूँ जो इस काम के लिए बीड़ा उठा के चला हूँ। मदन सिंह राणा का स्वच्छता अभियान सिर्फ प्रताप नगर तक ही सीमित नहीं है, वो टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। वे पहाड़ों में फैले कूड़े को इकट्ठा करते हैं। उनके इस अभियान में उनके दोनों बेटे उनकी आर्थिक तौर पर मदद करते हैं और राणा कांच और प्लास्टिक को ऋषिकेश में बेच देते हैं। इससे उन्हें थोड़ी सी ही सही मगर कुछ मदद जरूर मिलती है। इस कबाड़े को ऋषिकेश से हर गांव में, जो हमारे प्रताप नगर क्षेत्र के जो करीबन गांव है उनमें करता हूं और चारों धामों में भी करता हूं इस काम को। जब इस साल तो कोरोना काल था, नहीं तो मैं हर साल 4 चक्कर 4 धाम के लगाता हूं और इनमें यात्रियों को समझाने की कोशिश करता हूं, भाई गंदगी मत करो। इस तरीके से कई लोग मेरा बहुत सहयोग करते हैं। पहाड़ों में सैर सपाटे के दौरान लोग अक्सर प्लास्टिक का कचरा भी वहाँ फेंक देते हैं, जिससे हरे भरे पहाड़ों की सुंदरता को ग्रहण लगता है। जाहिर है मदन सिंह से उन लोगों को संदेश लेना चाहिए जो पर्यावरण के प्रति गैर जिम्मेदार है। एबीपी गंगा की टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट।